व सदा का रसूल नबीम उलकरीन व नजमिन शाह व शाहन वबीम अमदरात के बाद इसलिए पिछी आयात में हजरत के ऊनवान पर बड़ी तफस के साथ गुफ्तु की गई जिसके अंदर हजरत अफशा का भी जिक्र किया गया और हजरत मदीना का भी जिक्र किया गया और उसके अलावा हिजरत का माना क्या है लोग भी बड़ी डिटेल के साथ गुजार शाद पेश की मैंने आगे शाद ये होता है ना मिन कबले का यानी हमने नहीं भेजा अ महबूब आपसे पहले इला रिजाल मगर आपसे पहले भी हमने मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा नूख ही जिन की तरफ हम्बई करते रहे फसल जिक्र बस पूछ लो उन लोगों से जो साब जिक्र हैं साब इलमें इनकन तुम ला तून अगर तुम नहीं जानते तो आज की शानजूल का मफहम यह है कि जब सरकार दो आलम सल्हु ने नेलान नबू फरमाया तो मुशरकिन मक्का ने यह इतराज किया कि रसूल भेजने के लिए के आप ही रह गए थे अल्लाह ने किसी किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा अगर अल्लाह किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजता तो यकीनी तौर पर हमें किसी तरह का शक शुबा ना होता उस पर अल्लाह तला इरशाद फरमाता है कि हमने आपसे पहले भी कभी कोई फरिश्ता रसूल बनाकर नहीं भेजा जितने भी हम रसूल भेजे वो सारे बशर थे सारे औलाद आदम हैं सारे मर्द थे और सारे के सारे औलाद आदम जिनकी तरफ हम वही करते रहे अगर तुम नहीं जानते तो फिर उन लोगों से पूछ लो जो साब इल्म है साहिब जिक्र है अगर तुम्हें इसका इल्म नहीं तो अब सरकारी अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तजूर की तसल्ली के लिए बात इर्शाद फरमाई कि आप इनसे पूछ लें कि हमको नई बार पहली मरतबे आपको रसूल बनाकर तो नहीं भेजा आपसे पहले भी क़सीर तादाद में रसूल कराम तशीफ लाए हैं आदम सरका सलाम से से तक तो जितने भी हमने इससे पहले रसूल भेजे वो सारे बनी नौ इंसान में थे सारे इंसान थे सारे बशर थे हमने इससे पहले किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर नहीं भेजा तो अब हम अपनी उस सुनत को कैसे तब्दील करें एक दूसरी जगह अल्लाह तरशाद फरमाता है अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते ना तो यकीन हम फरिश्तों की तरफ फरिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते जब जमीन पर बनी नौ इंसान आबाद है तो जाहिर है कि उनके अंदर रसूल वही भेजा जा सकता है कि जिससे वो आशना हों जिसको देख सकें आ, मतलब है कि जिसकी पैरवी कर कर सकें अब फरिश्ते को हम अगर भेजें तो जाहिर बात है कि पहली बात हुई है तो फरिश्ते नजर ही नहीं आते अगर हम उनको जिस्मानी सूरत बनाकर भेजें तो जाहिर बात है कि फरिश्तों का अपना में आ रहा है वो तुम्हारे लिए उस हंसना नहीं हो सकते तुम्हारे लिए वो नमूना नहीं हो सकते तो अल्लाह ताला तलाशाद फरमाता है कि अगर इस जमीन पर फरिश्ते ही आबाद होते तो यकीना ना फरिश्तों की तरफ किसी फरिश्ते कोई रसूल बनाकर भेजते चूंकि जमीन के अंदर हमने बड़ी न इंसान को आबाद किया औलाद आदम को आबाद किया तो जाहिर है जो रसूल इनकी तरफ भेजेंगे वो भी बनी नौ इंसान में से होगा एक बात दूसरी बात यह फरमाई कि इल्ला रिजालन आमने ने जिनको भी भेजा वो सारे मर्द थे यहां से एक मफहम और भी हुआ कि इससे पहले नाम किसी ना फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजा ना किसी औरत को रसूल बनाकर भेजा तो ये कलाम का की वाज आयत मौजूद है कि जितने भी रसोल कराम तशीफ लाए हैं वो सारे बनी नौ इंसान में से आए और सारे के सारे वो मर्द थे उनके अंदर कोई औरत नहीं थी इस मामले में बाज उलमाए कराम ने इतराफ किया है कि जैसे कलाम पाक में हजरत मरियम सलाम्ह का जिक्र है बाज कहते हैं रसूल तो नहीं भेजे अल्ला ने हो सकता है नबूत नबी भेजे हूं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले भी जितने नबी भेजे रसूल भेजे वो सारे मर्द थे था। किसी औरत को नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा इसलिए कि जो मर्द काम कर सकता है वो औरत काम नहीं कर सकती नबी का, का काम और रसूल का, का काम यह है कि लोगों के अंदर जाए वो तबलीग करे तो जाहिर बात है कि औरत एक ऐसा सिंफ नाजुक है औरत को अल्लाह ताला फरमाता है, हम किसी भी इंसान को उसकी कु्वत से मावरा मुकल्फ नहीं करते जितनी उसके अंदर कुत ताकत होती है उसी मकदार में हम उसको हुक्म भी करते तो जाहिर बात है कि अगर औरतों को नबी रसूल बनाकर भेजा जाता तो जाहिर है कि औरतें जहाद भी नहीं कर सकती और औरतों का बाहर निकल जंगलों में जाना तबलीग करना ये सारी बातें नामुमकिन में से है इसलिए फरमाया कि पहले जितने अपने रसूल और नबी भेजे वो सारे के सारे बनी न इंसान में थे और सारे के सारे क्या थे मर्द थे अब अल्लाह ताला तशाद फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है कि फस अलू आला जिक्र तुम उन लोगों से सवाल कर लो जो साहिब इल्म साब जिक्र हैं, इर्शाद होता है वारा मिन कबल का मला था यानी फरिश्ते नहीं थे जितने पहले हमने रसूल भेजे कोई फरिश्ता नहीं भेजा रसूल बनाकर बल्कि बनी नो इंसान फसल जिक्र जो साहिब इलमे उनसे पूछ लो क्या फरमाया कि आल उलमाओ बित तौरात वे यानी यूं समझो कि यहूदियों से पूछ लो नसारा से पूछ लो इसलिए कि वो तुम्हारे ज्यादा करीब है तुम भी हुजूर के इनकार करने में और वो भी हुजूर की नबूवत का इनकार करते हैं तुम भी करते हो कुफर में दोनों पीर भाई हो दोनों बराबर हो तो अब उनसे पूछ लो ये तो तुम्हें पता है कि अहले किताब वो हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह की किताब नाजिल आई रसूल भी आए उनसे पूछो कि मूसा शाम कौन थे ईसा शाम कौन थे हाजिर दाऊद स्म कौन थे सलमान कौन थे क्या वो फरिश्ते थे यानी उनसे पूछ लो वो तुम्हें बताएंगे कि इससे पहले भी जितने नबी रसूल आए वो सारे बनी नो इंसान में से आए और ये क्यों फरमाया कि बनी साइज से पूछो वो ये समझते थे कि एहले किताब जो साब इल्म है वो सारे हालात वाक्यात को अच्छे तरीके से जानते हैं और एहले मक्का जो है वो जो हला अनपढ़ लोग उन्ह उन्हें क्या पता तो रब ताला फरमाता है कि जिनको तुम पढ़ा लिखा समझते हो ना ये बात उनसे पूछ लो कि क्या इससे पहले भी को फरिश्ता रसूल बनकर आया तो फरमाया तो कि फसल जिक्र या इच्छाद होता है कि अहरे किताब से तुम ये बात पूछ लो इनको तुम ला मून अगर तुम इस बात को नहीं जानते तो तो फरमाया किताब इसे क्यों पूछें इर्शाद होता है कि फाइन हूँ इसलिए कि मक्का भी ये अच्छे तरीके से एहल किताब को यहूदारा को जानते थे पूरे तरीके से उनसे वाकिफ थे और फरमाया कि अगर मुसलमान इस बात की तस्दीक करें कि हजूरकमल अल्लाह के नबी रसूल है तो जाहिर बात है कि तुमने मुसलमानों की बात को नहीं मानना लिहाजा तुम्हारा ज्यादा कर्ब और ताल्लुक जो है वो अहले किताब से है वो भी हजूर की नबूत और सालत के मुन करें तुम भी नबूत और सालित के मुन करें इसलिए फरमाया व अन तुम अला तस्दीक के हिम अकराबो मिन तस्दीकिन यानी मोमिन अगर हजूर की तस्दीक करें तो तुम्हें शुभ है वो तो हजूर पर ईमान ला चुके उससे बेहतर ये है कि वो जो मुशक मतलब है कि एहले किताब हैं तुम्हारी तरह वो भी मुन करें तुम्हारे दोस्त हैं तो जाहिर बात है कि उनकी बात तुम्हारे लिए ज्यादा काबिल यकीन बनस्बत ईमान के तो फरमाया कि वह अन तुम अला तस्दीक हिम अक्रब यानी तुम एहले किताब की तस्दीक के ज्यादा करीब हो चूंकि तुम्हारा मिजाज उनसे मिलता है वो भी हजूर के मुनकर हैं तुम भी मुनकर हो उनसे पूछ लो वो भी किताब हैं नबूत और सालत के कायल हैं किससे पहले जितने नबी रसूल आए क्या आपको फरिश्ता आया तो फरमाया कि बजाय इसके कि हजरत सदीक तुम्हें बताएं हजूर मौला कायनात बताएं या एहले ईमान जो एह मक्का ईमान ला चुके हैं वो तुम्हें बताएं तो तुम उनको पर कैसे मानोगे इसलिए कि तुम्हारा कारूरा जो है वो तुम्हारे किताब से मिलता है दोस्ती भी है तल्लुकात भी है उनसे पूछ लो और आम तौर पर ऐसे होता है कि दुश्मन की दलील की बनिस्बत दोस्त की दलील को ज्यादा तस्लीम किया जाता है बात दुश्मन तो इसलिए कह रहा है वो तो है ही दुश्मन अगर दोस्त उस बात की तस्दीक कर दे तो वो ज्यादा बात करीब होती है ज्यादा काबिल इतम होती है तो फरमाया गया कि वो तुम्हारे ज्यादा करीब हैं मिन तस्दीक मोमिनीना बे मोहम्मद यानी मोमिन अगर की तस्दीक करके तुम्हें बताएं तो तुम्हें तो इतम नहीं होगा एहले किताब से पूछ लो वो इस बात को बताएंगे अब सवाल यह पैदा होता है अल्लाह तबारक ने एक बात फरमाई के फसल खास होता है खास होता है और हुक्म उसका आम होता है जो शान नजूर है उसको आप निकाल नहीं सकते मिसाल के तौर पर कलाम पाक में जहाँ की खिताब है या आ मनु अक्की मुसला तबाह ये खिताब किन को है श्याबा क़राम को वो जो हम मौजूद है यानी जब ये आयत नाजल हुई और अल्लाह की तरफ से खिताब किया गया तो मुखातबीन कौन थे श्याबा तो क़राम थे ना जी अब यहाँ अल्लाह त्याबा का नाम नहीं लिया जी सहाबा का नाम नहीं लिया बल्कि या यू अल्लाह जी ने आमनु से खिताब किया है ऐमान वालो अब इसका मतलब यह है कि इस खिताब से सहाबा को आप निकाल नहीं सकते कि यह खिताब उनको नहीं है और कयामत तक आने वाले मुसलमानों को इसमें दाखिल होने से रोक नहीं सकते जी जब कोई आदमी ईमान लाएगा तो वो भी इसाद का मुखातब है उससे भी अल्लाह तला खिताब कर रहा है ईमान वालो अगर ईमान ला चुके हो तो फिर उसके कवायद ववानीन जवाब उन पर भी तुम्हें अमल करना पड़ेगा तो कलाम पाक का नजूल अगर चेखास होता है हा अगर नाम लेकर अल्लाह ताला ने किसी का जिक्र किया तो फिर वहां तक मादूद है फिर आगे नहीं आता और अगर अल्लाह ताला जिक्र करे कैटेगरी का एक तबके का जिक्र करे वसफ का जी तो फिर वो सिफत जहां भी पाई जाएगी वो हुक्म वहां भी आएगा जी अब यहां अल्लाह ताला तरशाद नहीं फरमाता है, फस अलू आलल किताबे या फस अलू फरमाया कि फसल यहूदावन सारा ये नहीं फरमाया कि यह सारा से पूछ लो उन ये नहीं फरमाया कि अले किताब से पूछ लो बल्कि ये फरमाया कि फसलू आला जिक्रे नाम उनका नहीं लिया अगर चे आयत से मुराद अल जिक्र से मुराद कौन है जब यह आयत नाजल हुई तो इससे मुराद यहूदो नसारा है जी यानी फरमाया कि तुम ये यहूदियों से पूछ लो नसारा से पूछ लो क्या इससे पहले भी कोई फरिश्ता रसूल या नबी बन कर आया जब इससे पहले सारे बनी नौ इंसान में से इंसान रसूल आए तो फिर हजूर के रसूल होने में तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम इनको तस्लीम नहीं करते <coughs> पहली बात तो ये नजूल इसका खास है हुक्म इसका क्या मत आपके लिए मेरे लिए आपके लिए सबके लिए फरमाया कि फसल तुम्ह ला तारोन अगर किसी बात के बारे में तुम्हारे दरम्यान इख्तलाफ हो जाए तुम उसको नहीं जानते तो उससे पूछ लो कि जो जानता है और ये इंसान की नेचर है फितरत है आप देखें कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो चेकिंग कराने कहा जाता है डॉक्टर के पास वो ये समझता है कि मैं मेर, मेरी जो प्रॉब्लम है ना इसको ना कोई वकील समझ सकता है ना कोई इंजीनियर समझ सकता है ये अगर समझ सकता है तो डॉक्टर को कानूनी मशवरा लेना हो तो आप सर्जरी में जाएंगे या वकील के पास जाएंगे आप समझते ना का कानून का माहिर वो है हम उसके पास जाएंगे यानी जिस निजार, जिस तरह का मामला आपको पेश आएगा उस तरह के अफराद के पास आप पूछने के लिए जाएंगे तो या अल्लाह तला ने मुतला कन फरमाया अल फर आल जिक्र इनको तुम ला तू सामने को मामला पेश आया तुम उसको नहीं जानते उस बंदे से पूछो कि जो जानता है यह कयामत के लिए और यही वजह है आलम इस्लाम के बाद सैयदा हजरत इमाम जाफर सादक साहब से पूछा गया कि आप यह बताएं कि आले जिक्र कौन है आप फरमाते नख नाला जिक्र हम एल बैत आले जिक्र है अच्छा क्यों कहा इसलिए लिए सरकार का इशाद ग्रामी है इन तरक्तों फीको मुस्कल मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं पहली चीज यह किताब अल्लाह या इन्नी तारे तारकों फीको मुस्कल किताब अल्लाह किताब व इतराती मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं एक अल्लाह की किताब हबल ममदूद वो एक लंबी रस्सी है उसका एक किनारा अल्लाह तला के दस्ते कुदरत में है और एक किनारा तुम्हारे हाथ में है और फरमाया विती आलोबैती और मेरी इतरत आगे उसकी तशीर फरमा दी कि मेरे अहल बैत और आगे फरमाया कि तुम फाइन तमस्क तुम बेहिमा एक रवायत इन तमस्क तुम बेही लंत दिलु आबिदा अबदा अगर तुम इन तमस्क करोगे तो क्यामत तक कभी भी गुमराह नहीं होगी जी और फरमाया के आगे फरमाते हाफी आल बैती उजक के रो कुम्लाफी आल बहती मैं तुम्हें तो एहले बैत के मामले में अल्लाह को याद दिलाता हूं अल्लाह को याद दिलाता हूं अब सवाल यह है कि सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं इन दोनों चीजों से तमस्व करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे एक किताब है और एक साहब किताब है अल्लाह ताला ने जितनी आसमान से किताबें नाजल फरमाई हैं वो तनाव किताब उठाकर किसी को नहीं दी बल्कि उस किताब के मालिम उस किताब को पढ़ाने वाले अल्लाह ताला ने रोस कराम को भेजा है। कि किताब को पढ़ना है तो किताब पढ़ाने वाले ये हैं अब सरकार दो आलम सल अल्लाह वसलम अल्लाह तरमाता कद जाकुमिन कद जाकुमिन नूरुम वीन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई तो बताना यह है कि तनखा किताब काफी नहीं है जबकि किताब का माल्म किताब को पढ़ाने वाला ना हो तो हजूर फरमाते हैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं किताब भी छोड़कर जा रहा हूं और किताब पढ़ाने वाला किताब का माल्म भी मैं तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं इसी बुनियाद पर सईद नजरत मबजा सादक राषात फरमाते हैं। आ फरमाते नखन जिक्र ये जो अल्लाह तलाम पाक में अहिक का जिक्र किया फरमाया कि वो अहल जिक्र कौन है फरमाया कि वो हम हैं हम अहले और ये बात बिल्कुल कलियर वाज है आप हदीस का मताल करें तारीख का मताल करें सरकारी दो आलम वाली वसल्लम आबा कराम के दरम्यान ये बात इर्शाद फरमाते हैं आप ये इर्शाद फरमाते हैं कि अकजा कुम अली फरमाया कि तुम सबसे ज्यादा काजी कौन है वो हजरत अली है और अकजा होना होना को मुस्तलजम है काजी वही हो सकता है जो साहिब इल्म हो और हज़रत उम्र फारूक रजील फरमाते कराम से सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले बेहतरीन काजी कौन थे हजूर मौला कायनात की जात थी और यही वजह है कि तारीख उठाकर आप देख लें कि हजूर मौला कायन की सीरत का करें देखें आपने पूरी जिंदगी में मा सवाय सरकार निसुल्ला थुछ निसुल्ला थुछ निसुल्ला के कोई मसला कभी किसी से नहीं पूछा जी माँ सवाय सरकार की जात के कोई मसला किसी से नहीं पूछा लेकिन सहाबा कराम की वो कसीर जमात है कि जब भी कभी को मसले के अंदर दुशारी पेश आती तो हजूर मौला कायनत को बुलाते उनसे मालूम करते सैद हज़रत हज़त बदीक रजी अल्लाह के दौर में बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जो मामला में पेश आए और कोई उसका जवाब ना दे सका फरमाया कि अली को बुलाओ हजूर मौला कायनात ने बुला कर उनको बुलाया गया उन्होंने उस मसले का अलपेश किया सैद न हजरतुमर फारूक के दौर में तो बहुत जरबुलमसल है जी आप फरमाते हैं कि उमर अगर अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता और एक रवायत में फरमाते अब हसानिन एबारी से तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूं कि उमर के सामने मुश्किल पेश आए और मुश्किल कुशा मौजूद न हो एक दफा हुजूर मौला कायनत सईद न हजरत तुमर फारूक रजी बात की खिदमत में अर्ज करते हैं कि हुजूर आप हमेशा ही मुझे बुलाते हैं बस दीगर हजूर के स्याबा कराम हैं बड़े बड़े साहिब इलम है बड़े बड़े हुजूर की सोहबत में रहे हुजूर से सीखा तो आप हमेशा मुझे ही क्यों बुलाते हैं तो सईद न हजरत तुमर फारूक रजी अल्ला तुम इर्शाद फरमाते हैं कि अली क्या करूँ तेरी जैसा माउ ने बच्चे जन्न छोड़ दिए हैं तेरे जैसे बच्चे माउ ने जन्ने छोड़ दी है इसलिए मेरी मजबूरी है कि तेरे स्वा में किसको बुलाऊ और एक और वाक्य हदीस के अंदर हजरत उमदतुल्कारी बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्ला बुखारी की शरह के अंदर तहरीक फरमाते हैं कि सैद न हजरत उम्र फारूक रजियाल तुम मक्का मजुआ में हाजिर हुए आज हाज के लिए या उमरे के लिए आप जब तवाफ करते हुए हजर असमद को बोसा देने लगे जी तो बोसा देकर फरमाते हैं कि या हजरों अंत हजरों ए हजर तू एक पत्थर है लात लातदुरफाओ तू ना नुकसान कर सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है मैं तुझे इसलिए बोसा देता हूं कि तू मुझे को फायदा नुकसान पहुंचाएगा इसलिए तुझे मैंने भरोसा दिया कि मैंने अपने महबूब सरकार को तुझे बोसा देते हुए देखा है जी वरना तू एक पत्थर है ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान, नुकसान पहुंचा सकता है हजूर मारा कायनात मौजूद थे आपने फरमाया अमीन अमन आप गलत कह रहे हैं यह हजरिया स्वद यो वनफाव यह नुकसान भी पहुंचा सकता है फायदा भी पहुंचा सकता है तो आप पूछ रहे हैं आप ये बताएं ये जो बात कही आपने ये कहां से कही है मिन कुरान इन और मिन सुन्नत इन ये आपने कुरान से बात निकाली है या सरकार की सुन्नत से निकाली है ये कहां से आप फरमाते मिन कुरान इन कुरान से हजरत तुम्हारे फारूक इर्शाद फरमाते हैं कि मैं कुरान तो पढ़ता हूं मुझे तो यह मसला कहीं कुरान में नहीं मिला आप फरमाते हैं कि हजरत आप याद करें कि जब म अलस्त अल्लाह तला ने तमाम बनी इंसान को पुश्ते आदम से निकाल कर जमा किया और उनके सामने अपनी रबूबियत को पेश किया अल्लाह तला ने फरमाया फरमायालस्त रब क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो सब ने भी यकमा होकर कालूबला क्यों नहीं जब सब ने इकरार किया तो रब तला ने फरिश्ते फरमाया कि इन सब के नाम पूरी लिस्ट बनाओ जी। फरमाया कि पूरे जितने वहां बनी नौमत तक लोग मौजूद थे सबके नाम लिखे गए पूरी लिस्ट बनाएगी लिस्ट बनाकर तैयार की गई तो रब ताला ने फरमाया कि ऐसे करो कि इसको हजरे असमद में डाल दो तो अल्लाह तला हजर अस्वद को इशाद फरमाता है मुंह खोला अपना हजरे असमद ने अपना मुंह खोला तो फरमाते व अलकाफी फी है वो जो तहरीर नहीं थी वो जरे असमद के मुंह में डाली गई और यह फरमाया कि याद रखना इनमें से जो जो तेरे पास आएगा तुझे बोसा देगा क्यामत के दिन तुझे उसके बारे में गवाही देनी है फरमाया कि जो लोग वहां गे हजिरत को बोसा दिया क्यामत के दिन उनके हक में हजिर असमद गवाही देगा जो नहीं गए उनके खिलाफ गवाही देगा तो जिसके हक में गवाही देगा उसको फायदा पहुंचेगा जिसके खिलाफ गवाही देगा उसको नुकसान पहुंचेगा उस वक्त सुनने के बाद सईद नजी फरमाते आयशा फी कौम लस्ता आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं ऐसी कौम के अंदर जिंदा रहूं कि जिसके अंदर तू मौजूद ना हो बात समझ गए और यही कैफियत सैदना सैद नजरतमान गनी आपके दौर में जब भी को, को मुश्किल मसला पेश आता तो फुरमाते अली को बुलाओ मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं हमारे अह सुन्नत की लिखी इन मसाइल पर कि हजूर मौल कायनत ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से मसला नहीं पूछा और तमाम से हबा कराम सरकार द्वारा हजूर मौला कायनात की तरफ रजू करते थे हती के खुलफाए राशदीन अशरा मुबरा और दीगर सहाबा भी हजरत ष्मानी जब ही को मसला पेश आता तो हाल ना होता तो हजूर मौला कायनात को बुलाते हती के आप यूं समझिए कि जब हजूर मौला कायनात का दौर खिलाफत था और हजरत माविया ने आपको खलीफा तस्लीम नहीं किया आप साथ से उस्मान का मुतालबा करते थे उस दौर में चूंकि वो रोमियों के करीब थे तो रोम के किसी बादशाह ने चंद मसाइल लिख कर भेजे दी कि आप ऐसे करें किसका जवाब दें चुनाचे जब आपके पास हजरत माविया के पास वो मसाइल भेजेंगे तो आपने लोगों को बुलाया ट्राई किया लेकिन कोई बात समझ ना आई फरमाया कि ये हजरत अली के पास भेजो जी चुनाचे वो आदमी वो मसाइल लेकर मौल कायन की बारगाह में हाजिर हुआ आपने उन मसाइल के जवाब लिख कर दिए जी लिख कर दिए फरमाने लगे अलहमदल हमारे दुश्मन भी हमारे मोहताज हैं यानी हमारे दुश्मन भी इम में हमारे मोहताज हैं लेकिन आपने कंजूसी नहीं की आपने उन मसाइल के जवाब लिखकर कासत के हाथ भेज दिया और फिर जब वो रूम का कासत उसको मसाइल मिले उसने पूछा ये किसने वो कहने लगा कि इन मसाइल का जवाब या नबी दे सकता है या नबी का को वसी जवाब दे सकता है ये आपने जवाब नहीं बनाए किसने जवाब दिया तो आपकी जानदारी आपने कहा ये मैंने जवाब नहीं दिया बल्कि ये हजूर के मसल् के दामाद भी हैं चचा दाद भाई भी हैं, हैंजूर के वसी भी है, हैं हजूर मौला ये उन्होंने जवाब दिया तो अर्ज करने का मकसद ये है कि रब तला ने दो चीजें हमें छोड़ी फरमाया कि एक कुरान और एक एहलेत अगर कुरान को समझना तो है तो एहलेत से समझो एहलेत को समझना है तो कुरान से समझो एहलेत की अजमत को जानना है तो कुरान तो 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 से समझो और कुरान को जानना है तो अहले से समझो इसलिए हजरत सादिक फरमाते हैं जिक्र वो और जिक्र जो है वो हम हैं और हजरत अलामा उस्मान ज़ाहबी जो इब्ने तैमिया का शागिर्द भी है और उस्ताद भाई भी है दोनों तक मुआसर है ना जी ताल जमाने में शागिर्दी भी की आपने जैसे क्लासें नहीं होती जी एक छोटी क्लास में एक बड़ी क्लास में तो छोटी क्लास वाला बड़ी क्लास वाले से हेल्प लेता है कुछ सीखता है कुछ पढ़ता है जी। तो भाई माना उस्मान जाबी इब्न तैमिया का शागिर्द है वैसे दोनों के दोनों क्या आपस में उस्ताद भाई हैं क्लास ऊपर नीचे थी और वो भी अपने उस्ताद भाई की वजह से पूरा तो नहीं लेकिन उसके अंदर भी कोई नासबियत का रंग भरा हुआ है जी हाँ जी वो बहुत सारी बातें ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो लिखता है यानी सैदना हजरत जब सदकाम के हालात में सारोलामी नबाला के अंदर वो तहरीर करता है कि इस उम्मत के अंदर दो बंदे हुए एक हजूर मौल कायनात की जैसे मंबर कोफा पर आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि सलूनी कबला अंतफ के दूनी फरमाया कि कबल इसके कि मैं ना रहूं जो चाहो मुझसे पूछ लो सलूनी कबल अंतफ के दूनी कबल इसके कि तुम मुझे ना पाओ मुझे गुम पाओ उससे पहले पहले मुझसे पूछ लो जी एक रवायत में आप फरमाते हैं सलूनी माशे तुम अम्मा दू न लारश अर्श के नीचे जो है ना जो चाहो मुझसे पूछ लो मैं तुम्हें दूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा तो फरमाते हैं है, कायनात हैं कि जिन्होंने हामादानी का दावा किया और फिर हजरत इमाम जब सादकाम जब हज करने के लिए तशीफ ले गए तो मीना में खड़े होकर आपने खुतबा दिया आपने फरमाया सलूनी माशे तुम यानी पूरे उस उजाज के मजमे में जो चाहो मुझसे पूछ लो मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा तो उस्मान ज़ाबी ये यह कहता है कि हमने दो ही बंदे देखे या बाप देखा है या बेटा देखा है कि जिन्होंने हमादानी का दावा किया है जो जिन्होंने यानी मेंबर पर बैठकर खुतबा देते हो फरमाया इमाशे तुम जो चाहो तुम पूछो तो आप फरमाते हैं कि जिक्र कौन है वो हम हैं और यहां से एक और बात भी वाजह होती है इसी आयत से इसी आयसी ये बाज वाजे होती है कि जो हमारे यहां तकलीद नहीं यानी मतलब यह है कि हम आईमा की तकलीद करते हैं हम आजिफा की तकलीफ क्यों करते हैं कुछ लोग हजरत इमाम शाफी की तकलीफ करते हैं कुछ इमाम माले की तकलीफ करते हैं कुछ इमाम रंबल की तकलीफ करते हैं क्यों करते हैं तकलीद का माना यह है कि जो बात आपके इम ने आप नहीं जानते वो एलिजिक से पूछ ले आप मेरी और आपकी बात तो और है लेकिन आप देखें कि हजरत इमाम राजी जैसी शख्सियत वो भी किसी इमाम के मुक़लद हैं, इमाम गजाली भी मुकलद हैं, यानी बड़े बड़े टाप के लोग मुहद क़राम, वो लोग जो खुद मरतबा इश्तेद पर फाइज थे जिनके सामने तमाम उलू कुरान और तमाम उलू हदीस उनके सामने वाजे थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी न किसी इमाम की गुलामी का कलादा अपने गले में डाला और तकलीद की है जबकि वो खुद मरतबा इतिहाद पर फाइश थे बड़े बड़े अलामा देखे जितने भी हैं मुआसी ने कराम है मुफसरीन कराम है इल्म कलाम के बड़े माहरीन है सब ने किसी न किसी इमाम की तकलीफ की है और तकलीद का माना नबी की तकलीफ नहीं होती नबी पर तो ईमान लाया जाता है जी सियाबा कराम की भी तकलीफ नहीं है इसलिए कि स्याबा कराम से जो पूछेंगे वो बताएंगे जो उन्होंने सरकार से सुना है जी तकलीफ उस मामले में होती है कि वो मसाइल जो आपको पेश आए सराहतन कलाम पाक में उसका जवाब मौजूद नहीं है उजूर की सुन्नत में सराहतन जवाब मौजूद नहीं है वो और कराम स्ट्रगल करके कोशिश करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले का हल निकाला जाए उस मसले का हल निकालने के लिए यह होता है या तो कलाम पाक की आयात हैं उनके मुतद मानी है किसी माने को इख्तियार किया जाता है या फिर यह होता है कि किसी आयत किसी हुक्म पर क्यास किया जाता है और तकलीद के माना ये होते हैं कि गैर मासूम मासूम नहीं गैर मासूम के इल्म तकवा पर परमाद करते हुए उसकी दलील जाने बगैर उसकी पैरवी करना तकलीद का माना क्या है गैर मासूम यानी वो ये नहीं कि गुनाहों से मासूम है गलती नहीं कर सकते गैर मासूम के इल्म तकवा फरासत पर एतमाद करते हुए उसकी दलील जाने बगैर उसको फॉलो करना जी। यानी उसकी दलील क्या है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है हमें उस पर एतमाद है कि यकीनन उन्होंने बात की तो जरूर उनके पास इसकी कोई ना कोई दलील होगी अब इसी तरीके से ये चारों आई माई करामे बरहक है आप इमामिफा की तकलीद करें आप इमाम शाफी की तकलीद करें इमाम माले की तकलीफ करें इमाम हम्बल की तकलीफ करें लेकिन तकलीफ एक की होती है सब की नहीं होती आप मिसाल के तौर पर कोई बंदा बीमार है जी। किसी डॉक्टर के पास जाता है और खास तौर पर वो डॉक्टर उसका मुआलिज है उसके पास उसका पूरा रिकार्ड नहीं पूरा रिकार्ड मौजूद है अब जब भी कभी जरूरत होती तो आप किसके पास जाते हैं उस डॉक्टर के पास कि जो आर एडी आपका इलाज कर रहा है जिसके पास आपका रिकार्ड मौजूद है उसका माना यह नहीं कि बाकी डॉक्टर कुछ जानते ही नहीं है क्योंकि वो उसके मुतालिक है जी इसका मतलब यह नहीं कि हम अगर अनफी हैं इसका यह माना नहीं कि माम शाफी गलत है या हजरत माम माल गलत है या इम्बल गलत है हम उनको गलत नहीं कहते हमारा मतलब यह कि हमारा वास्ता एक डॉक्टर से है हमने उसी को फॉलो करना चाहिए और कमाल की बात है कोई तकलीद माने या ना माने दुनिया में सारे मुकलद जादू से पढ़िए एतमाद करना पड़ता है आप स्कूल में जाते हैं इब्तिदान छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है जी अब जब नर्सरी में जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए होता है कि वो पिक्चर वगैरह नहीं होती उसको बताया जाता है कि भाई ये घोड़ा है ये गधा है ये बकरी है ये फला ये फला क्या उसका जाती इल्म है कि घोड़ा कैसा हो सकता है नहीं ना वो उसको बताते हैं और जिंदगी भर जिसको घोड़ा वो नर्सरी में उन्होंने बताया था वो जिंदगी भर उसी को घोड़ा मानता है हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए हमें तो नहीं पता कि अलफ क्या होता है बा क्या होती ता क्या होती वो हरूफ की पहचान तो हमें नहीं है उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ो अलिफ बा ता सा जीम हा हा वगैरह जी वो हमें ये हरूब पढ़ाते हैं अब उस्ताद ने हमें बताया कि ये अलफ है उस्ताद ने यह बताया कि ये बा है ये ता है ये सा है तो जिंदगी बार हम क्या करते हैं किस को अलग समझते उस्ताद ने जो अलग बताया था जिंदगी बार हम उसी को अलग समझते हैं जो उसने बा बताया था हम जिंदगी बार उसी को बा समझते जब तक आप एतमाद ना करें मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सकते और बाकी छोड़ें काम आपको मिसाल बताता हूं आप किसी शहर में गए अजनबी हैं, रास्ता भूल गए नेविगेशन भी आपके पास नहीं है यह तो अब शुरू हुआ है ना इससे पहले आज से पंद्रह बीस साल पहले हम सबर करते थे या नहीं सबर करते थे और हर आदमी ने गाड़ी के अंदर रोड अटल सर की होती थी वो जो नक्शा नहीं है वो रखा होता और वो निकाल कर और हर शहर का मैं आपको बताऊं आप जाहरा मुझे भी तक क्यों पचास साल के करीब या हो गए ना तो अक्सर बेचता जाना पड़ता तो एक मेरे पास वो नक्शा रखता था जो पूरे बरतानिया का जी फिर हर शहर का मेरे पास नक्शा था यानी बर्मिंगम का नक्शा वगैरह ब्रेडफोर्ड का मानचस्ट वगैरह वगैरह वो चूंकि छोटी छोटी गलियां नहीं होती तो वो हर शहर का भी नक्शा रखा होता थे वो नेविगेशन तो था नहीं अब हम कभी नक्शा अवेलेबल नहीं है तो हम ये करते गाड़ी रोड पर खड़ी की और एड्रेस दिखाया किसी रागीर से पूछा कि प्लीज बताओ कि ये रास्ता क्या जी वो हमें बताता है कि यहां जाओ तो फर्स्ट राइट करो फिर लेफ्ट करो फिर आगे ये आएगा फिर वहां से ये करो फिर वहां करो उसके कहे हुए तरीके पर हम जाते हैं तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं हमारे पास रोड एट्रेस भी नहीं है नेविगेशन भी नहीं है पूछना भी नहीं है हम खुद पहुंचेंगे कयामत तक घूमते रहो कभी मंजरे मकसूद तक नहीं पहुंच सकते अब अंदाजा फरमाए कि हम के एक मकान की जगह पहुंचना है तो बगैर गाइड के नहीं पहुंच सकते तो फिर आप क्या समझते हैं कि बगैर किसी राह भर के हम कुरान हदीस को प्राप्त समझ सकते हैं उसके लिए भी हमें किसी गाइड की जरूरत है और तकरीबन सारी मुकलत है जी ये जो अपने आप को सेल्फी कहते हैं ना गैर मुकलद कहते हैं ये जितने गैर मुकलद सबका एक ही तरीका या नहीं एक तरीका है ना जी वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट हदीस पर अमल करते हैं अगर डायरेक्ट हदीस पर अमल करते हैं मैं भी डायरेक्ट करता हूं आप भी डायरेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं तो इतलाफ होना चाहिए मैं उस हदीस पर अमल करूंगा आप दूसरी हदीस पर अमल करें और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हर, यानी मतलब मुकल गैर मुकल दिन के यहां भी बहुत सारे ऐसे मसायल हैं जो हदीस में नहीं मिलते जी जब हदीस में नहीं मिलते तो उन्हें भी इक्यास और इतिहाद करना पड़ता है इनके बड़े बड़े गुरु हुए ना जनाब अब इबन तैमिया को मानते हैं जी भाई इमिन तैमिया ने यह लिखा है इबन तैमिया ने यह लिखा है तो हम कहते हैं इमाम आजोनी फन खा हम इमाम साहब के मुकलत है तुम इबन तैमिया के हो फिर जितने ये मस्तुमें टांगे फैला कर नमाज पढ़ते हैं ये सब कुछ जो कुछ करते हैं एक आदमी से पूछे ना मैं तुम्हें कैसे पता जी तो क्या नाम लेगा हमारे मौली साहब ने हमें बताया मौली साहब से पूछा जी आपको कैसे पता है वो कहते हैं हमारे फला अलामा क्या कहते हैं नवाब सदी का सन जी ने ये लिखा जी नवाब नजीर हुसैन देल ने ये लिखा जी फला हमारे वईद उजमा हैदराबादी ने यह लिखा है सनाउल्ला मसरी ने यह लिखा है यानी मतलब यह है कि वो भी तकलीद का ऐलान किए बगैर यानी वो भी फॉलो किसको करते हैं अपने मौलवियों को फॉलो करते हैं तो तकलीद का माना क्या है तकलीद का माना यह है कि गैर मासूम के इल्म पर इतमाद करते हुए उसकी दलील जाने बगैर उसको फॉलो करना तो ये जब किसी मौलवी के पास जाते हैं तो कभी मौलवी ने हदीस निकाल कर बताई इनको जबानी कलामी मौली साहब जो बताते हैं वो क्या करते हैं मान लेते हैं अब मिसाल के तौर पर अगर आपको एतमाद नहीं है तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फसलु आल जिक्र इन तुम ला लाता मून पूछने वाला इस बात का मजाज नहीं है कि वो पहले उनसे बहस कर दी पहले वो किताबें निकाल कर लाओ ना जी तो हमें दिखाओ अब नतीजा ये हो हमारे पास एक बंदा इस तिंजे का मसला पूछने आज अब उसके नतीजा ये होगा कि हम किताबों का ढेर लगाएंगे वो पढ़ पढ़कर बताएंगे फलान ये लिखा फलान ये लिखा फलान ये लिखा है हम बगैर किताब ही बताते हैं ना और वो मानता ही नहीं मान लेता है क्या उसने किताब देखी थी नहीं तो इनसे पूछो मुकलत तो तुम भी हो हम हाँ, इमाम आजीफा के है तुम इन उन लोगों के मुकलत हो कि जिनको पता नहीं जो कुछ कहें जी तो अर्ज करने का माना यह है कि तकलीफ अल्लाह ताला फरमाता है फसल जिक्र और ये वाजिब है अगर तुम नहीं जानते तो पूछना वाजिब है।, है आपको को मसला नहीं आता हलाल राम के बारे में पता नहीं है तो आपके लिए पूछना वाजिब है क्या पूछ लें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फसलआल जिक्र तुम ला तारून अगर तुम नहीं जानते तो फिर जो जानने वाले उनसे पूछो जी यही तरीका है इससे पता चला है कि तकलीद करना यह कुरान के मुताबिक है किसी इमाम की तकलीद करना पैरवी करना यह कुरान के खिलाफ नहीं है अलबत्ता यह है कि जब हम ये मानते हैं वापस अनिफा भी बरहक हैं इमाम शाफी बराहक हैं ये फलां भी बरहक हैं तो हम जिसको जो मसला जिससे मान ले तो सवाल यह होगा ना आपके पास आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका मुआलजा इलाज करता है दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर के पास चलेगे चौथे दिन चौथे डॉक्टर के पास चले गए तो फिर नतीजा क्या होगा okay. अब पहले ने जो आपके मर्द की तशहस किया रिकॉर्ड पता है उसने और आपको बताया दूसरे के पास जाएंगे तो वो आपको और बताएगा तीसरे के पास जाए तो वो और बताएगा जबकि वो डॉक्टर तो हैं ऐसी बात नहीं है इसलिए कि या कीर मौकम मोकबगी जी और फिर अगर हम ये करें कि कुछ मसले हन्फियों के ले लें कुछ शाफियों के मालकियों के इसका मतलब है कि हम किसी इमाम के मुकलत नहीं हैं बल्कि अपनी तबीयत के पैरोकार हैं जो बात हमें पसंद आई हम वो इख्तियार करते हैं फरमाए कोई बात नहीं आप अगर शा, इमाम शाफी को पसंद करते हैं उनके मुकलत हो जाए बिल्कुल ठीक है इमाम मालिक को पसंद करते आप उनके मुकलत हो जाए हमें क्या इतराज है लेकिन यकी मोकमगर उसकी वजह यह है कि जिस इमाम की तकलीद करते हैं फिर उसी इमाम की तकलीद करें और दूसरी बात यह भी बता दूं यह तकलीद मसाले जनिया में होती है अकाद में किसी की तकलीद नहीं है हम खुदा को एक इसलिए नहीं मानते कि मामा बानीफा ने कहा जी उसको एक इसलिए मानते वो है ही एक है और उसको बताने वाले सरकार की जात है जी हम पांच नमाजें इसलिए नहीं पढ़ते कि मामाफी ने कहा जी हम पांच नमाजें इसलिए पढ़ते हैं सरकार ने हुक्म दिया है जो मसाइल कलियर है उनमें तकलीफ तो नहीं होती तकलीफ उनमें होती है जो कुरान और हदीस के अंदर मसाइल कलियर नहीं, नहीं है यह कलाम पाक के अंदर एक लफ्स है जिसके कई मान है अब हम उसके माना का तयन तो नहीं कर सकते ना जी अपनी विदाई के तहत अब हदीस हम देखते हैं कि एक हदीस इस उनवान पर है दूसरे वनवान पर है तीसरे वनवान पर है हदीस आधी। के अंदर यह भी आता है कि हाथ या सीने पर बांधे हदीस के अंदर यह भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़े हदीस के अंदर यह भी है कि नाफ के नीचे हाथ आध बांधे हदीस के अंदर यह भी है कि इमाम के पीछे सूर्य फातह पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती हदीस में यह भी है के रफा करें हदीस में यह भी है कि अमीन बिलजार करें और यह भी है अमीन ना कहें यह भी है कि रफा करें और ममानत भी मौजूद है आप क्या करेंगे जी अब वो जो माहिरीन है उनके अब मोहताज हैं वो ये काम करेंगे हदीस को देखेंगे और हदीस को परखने के कई तरीके हैं जी उसकी सनद को परखने पहले उसके असनाद को देखेंगे कि असनाद उसकी कवि है या नहीं और अगर दो अदीसें अपोजिट हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि उनका जमाना एक है ये जमाना मुख्तलिफ है और यही वजह है कि जहां कलाम पाकि आयात मुफसिन कराम ने आयात लिखी उनका शानजूल भी लिखते हैं कि फला मौके पर फला ये मामला पेश आया इसी तरीके से मुहदसिन कराम जब हदीस लिखते हैं तो हदीस के शुरू में असबाब वरूद भी होते हैं जी यानी ये जो हजूर ने बात की ये किस मौके पर की ये हजूर ने जो बात की ये कहाँ की उसके अंदर वो असबाब वरूद में भी लिखते हैं उससे आप फैसला कर सकते हैं कि ये जो हजूर ने बात की ये पहले की या फला पहले की तो जाहिर बात है कि बाद वाली बात पहली के लिए नासिक होती है अब इस तरीके से आईमा कराम ने अपना एक तरीका किया और का कोई तरीका छोड़ा नहीं अब मिसाल के तौर पर तीन तरीके आए हदीस के अंदर मजकूर है कि नाफ के नीचे हाथ बांधो हदीस के अंदर यह भी है कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो हदीस के अंदर यह भी है कि सीने पर हाथ बांधो अब हनफियों ने नाफ के नीचे इख्तियार कर लिया मार्कि ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने का इख्तियार कर लिया साफियो ने सीने पर बांधना इख्तियार कर लिया यानी पूरी उम्मत के अंदर अधूर का तरीका मतलूक नहीं हुआ अब एट ए टाइम एक आदमी तीन तरीके तो नहीं इख्तियार कर सकता ना अब हम ये कहते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, तो जाहिर सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है उसके बाद करात का पढ़ना भी वाजिब है जब हम इमाम के पीछे होते हैं तो फिर इमाम के पीछे हम करा यानी सूर फातिया नहीं पढ़ते इसलिए कि कदूर का इशाद है मन लहू इम यानी जिस आदमी का इमाम हो फा करा तो इमाम करा तो फिर इमाम की करात उस मुख्तदी की करात है तो जब हम इमाम के पीछे होते हैं तो नहीं पढ़ते वो इमाम पढ़ता है हमारी नमाज किस किताबे है इमाम के इमाम सूरह फातह पढ़ता है या नहीं पढ़ता जब उसे पढ़ता है तो हमारी तरफ से भी हो गई अकेले जब नमाज पढ़ेंगे तो फिर फिर हमें खुद सूरह फातह पढ़नी पड़ेगी अब किस्सा यह है कि उम्मत के अंदर अब हदीस के अंदर मौजूद है न, ऐसे लोग भी हैं कि जो इमाम के पीछे सूरह फातह पढ़ते हैं जी अब ना पढ़ने का जिक्र है ने वो तरीका इख्तियार कर लिया आमीन बिलजार कुछ करते हैं कुछ ने वो तरीका चार कर या कुछ आमीन आमीन तो कहते हैं लेकिन आस्था कोई रफा यदेन यानी सरकार का तरीका अगर देखें कि पूरी उम्मत के अंदर इन चारों मज़बू के अंदर इकट्ठा करके देखें तो कोई अजूर की सुन्नत मिस नहीं हुई है लेकिन हमें फॉलो एक ही को करना है ये मतलब नहीं सुबह की नमाज थी तो यहाँ हाथ बांधे थे जोर की नमाज थी तो हमने नाप के नीचे बांधे उसके बाद असर की नमाज आई तो हाथ छोड़ दिए ये तो बाजीचा अतफाल हुआ ना एक तरीका तो नहीं है तो तरीका यह है कि किसी इमाम की भी तकलीद करें कुरान ये कहता है कि अगर आप नहीं जानते तो जानने वालों की पैरवी करनी पड़ेगी और जाहिर बात है कि हर आदमी अपने हां ऐसे मसाइल जो आइम मुश्तादीन के दौर में मौजूद नहीं थे वकूफ पजीर नहीं हुए बाद में मसाइल वो पैदा हुए अब जाहिर बात है कि उन मसाइल के अंदर ना तो कुरान के अंदर हमें को दलील मिलती है ना हदीस के अंदर सरातन को बात मिलती है कि दौर में वो मामला था ही नहीं वो अपने आजमा मुशाहन के दौर में हमें नहीं मिलती इसलिए उनके दौर में वो मामला पेश नहीं आया अब बाद में जब पेश आया जी बाद में जब पेश आया तो अब उलमाय कराम जो साहिब इलम है जिनकी पूरी नजर कुरान और हदीस के ऊपर है फिका के ऊपर है वो उस मामले में इश्तेहाद कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप देख लें कि जदी दौर के मसाइल ये एक आदमी का खून दूसरे आदमी को खून देते हैं ना जी ये एक आदमी का दूसरे को खून देना हजूर के दौर में ही को तरीका था आयमा मुश्ताइीन के दौर में था नहीं था ना तो अब पेश आई है तो अब हम उनको तो फॉलो नहीं कर सकते अब उलमा कराम मिलकर इसमें इसतहाद करेंगे सोचेंगे कि क्या ये शरण दुरुस्त है या नहीं है इसी तरीके से ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरा किए जाते हैं एक का दिल दूसरे में डाला गया गुर्दा दूसरे में डाला गया कलेजा दूसरे में डाला गया जनाब ये जो ट्रांसप्लांट करते हैं दौर में था आयमा मुशदी के दौर में था नहीं था ना अब इस पर मौजूदा दौर के और जो साहिब इल्म है जिनका पूरा कुरान और हदीस के ऊपर उबूर है जानते हैं, अब वो उसके अंदर इज्तिहाद करेंगे और कयास करेंगे यह मसला निकालेंगे इसी तरीके से बहुत सारी नई मसला पैदा होता है तो आदमी उसके खिलाफ जाता है ये जायज नहीं है फिर आस्ता आस्ता जब तहकीक होती रिसर्च होती तो फिर उस पर अमल शुरू हो जाता है अब हमारे यहां देखे नहीं है दावत इस्लामिया वाले किसी जमाने में जनाब ये फोटो भी नहीं खिंचाते थे वीडियो भी नहीं बनाते थे ये हराम है ये जायज नहीं है ये दुरुस्त नहीं है चूंकि इल नहीं था उनको अब उसके बाद आप फोटो के अब तो उनके अपने टीवी स्टेशन मौजूद है अब वो सब कुछ करते ये मतलब यह है कि पहले इल्म नहीं था ना अब जब शायद तहकीक होगी कि इसमें कोई शरण ऐसी कबात नहीं है इसी थी किस दौर में ओलमा के अंदर ये मामला चला कि लाउड स्पीकर पर हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए कि नमाज होती ही नहीं है कि वो जो लोड स्पीकर की आवाज है वो इमाम की आवाज नहीं है वो सदाएबाज गश्त है ये जो पाड़ों के पास नहीं जाकर बोलते जी आवाज निकालें तो आवाज एको रिफ्लेक्ट होकर आती है वो ये कहते हैं कि लोड स्पीकर की भी आवाज भी वही है तो हम जब उस आवाज पर सजदा करेंगे तो इसका मतलब हम इमाम को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन अब जब तहकीक हो गई कि असल में जो स्पीकर से आवाज निकलती है वो इमाम ही की है सिर्फ उसकी वजह ये है कि ये मशीनरी की वजह से जिसको हम लाउड स्पीकर कहते हैं ना लाउड उस आता आवाज को वो बुलंद कर देता है जिसको अरबी में मुकबर सौत कहते हैं आवाज को बड़ा करने वाला आवाज इमाम ही की होती है अब जब ये बात क्लियर होगी अब हम दी ताला तकरीबन अगर वो छोटी सी मस्जिद है ना भाई अगर मस्जिद बड़ी हो ना आवाज ना पहुंचती हो फिर तो लाउड स्पीकर पर आप नमाज पढ़ाएं तो बात समझ आती वही पहुंचती वो निकिया निक्किया मस्जिथियां ही कमरे नहीं मस्जिद उथे भी इमाम साहब लाउड स्पीकर ना लाएं तो मजा नहीं आता अब वहां तो जरूरत तो नहीं है ना लेकिन वहां भी लगाते हैं कोर है अगर बड़ी मस्जिद में लगाया जा सकता है तो छोटी में क्यों नहीं लगा सकता थी बिल्कुल दुरुस्त है तो इसी तरीके से जो नए मसाइल पैदा होते हैं उसके अंदर कराम साहेबरा वो इस्तेहाद करते हैं तो अब ये कर रहा था कि इश्तेहाद और तकलीद जन्नी मसाइल में होती है यकीनी मसाइल में नहीं वो तो सरात अनकुर हदीस के अंदर मौजूद है तो जन्नी मसाइल के अंदर हम ये करते हैं कि आइमा इक्राम की तकलीद करते हैं और इसके बावजूद ये इम्कान होता है हो सकता है कि उनका ये मसला सही ना हो जे गलती के इम्कान के साथ जी तो असल में अल्लाह ताला इशात फरमाता है कि फसल जिक्र इनको तुम ला तारून अगर तुम नहीं जानते तो फिर जो जानने वाले ना फिर उनके पूछ लिया करो उनसे सवाल किया करो पूछ लिया करो आज खुद अटकल पचू करना मुनासिब नहीं है और कभी कभी ऐसे भी होता है सैयद हजरत इमाम आजम अबू अलीफा रजी अल्लाह हो आपने तकरीबन नब्बे मसाइल ऐसे हुए कि जिसके अंदर आपने रजू किया जी यानी मसला आपने बताया ना जी बताने के बाद बाद में आपने तहकीक की कि फला मसला जो मैंने बताया वो दुरुस्त नहीं है खुद आपने नाइनटी मसाइल से इमाम साहब ने क्या किया रजू किया जी कायदे की बात यह होती है कि आप किसी आलम दीन के पास मसला पूछने जाते हैं अगर यकीनी तौर पर नहीं आता तो इसमें कोई ऐब नहीं है आदमी कहे कि मुझे नहीं पता जी किसी जानने वाले से पूछ लो या यह भी हो सकता है कि मैं देख कर आपको बता दूंगा बाद रात यह कहते हैं अगर इसको बताया ना ना तो यह कहेगा तो ही कुछ नहीं तो हम अटकल पच्चू पर लोगों को फिर क्या करते हैं गलत मसले बताते हैं अर्ज करने का मकसद यह है कि किसी शख्सियत से भी इख्तलाफ किया जा सकता है यह ऐसी कोई बात जरूरी और लाजमी नहीं है किसी से भी इख्तराफ किया जा सकता है जी जिस तरीके से हजरत मबाज हिफारत अल्लाह तु सबसे पहले आपसे इख्तलाफ तो आपके शागिर्दों ने किया है यानी हम हजरत अब यूसुफ है इमाम मोहम्मद है इमाम जफर है हजरत हसन है वो बहुत सारे आपके शागिर्द हैं बहुत सारे मसाइल हैं कि आपके शागिर्दो ने आपसे इकतराफ किया तो कोई बात नहीं कोई बेअदबी की बात नहीं कोई शागिर्द अपने उस्ताद से किसी मसले में अगर इख्तलाफ करे तो ये कुछ जुर्म नहीं है हां उसके बाद दलील होनी चाहिए इख्तलाफ के लिए को मैार होना चाहिए यह मैार नहीं है नहीं। जी मैं तबीयत नहीं चाहती थी यह मतलब नहीं है उसके लिए को मैार होना चाहिए तो आज ये कर रहा था अकायद में किसी की तकलीद नहीं होती मसाइल कतिया में किसी की तकलीद नहीं है उन मसाइल में जो ज़निया हैं, जो हमारी अप्रोच से बाहर सराह तन हम नहीं जानते तो उनकी स्ट्रगल उनकी इज्तियात उनकी कोशिश पर एतम करते हुए हम वो बात मानते हैं कि जो उन्होंने कही है तो यहां ये आयत पूरे तौर पर इस बात की दलील है आगे चलते हैं आगे अल्लाह तबार इचात फरमाता है कि फसल इनकुन तुम लाता आगे फरमाया बिल बना फरमाते इन अरसल ना बेमाजूफिन बिल हिजाजिल वाज आते ये जो अल्लाह तला फरमाता है ना ऊपर यानी शाद फरमाया कि अरसल ना मिन कबल कारी आपसे पहले हमने मर्दों को भेजा कैसे भेजा बिल यानी उनको जिनको हमने रसूल नबी बनाकर भेजा है खाली हाथ नहीं वाजे दलाल देकर कर बैनाथ के साथ हमने उनको भेजा जी तो ये कहते हैं बैनाथ का ताल्लुक से आया मुतल कौन बेमाफ है पीछे बे जो माजूफ, माजूफ उस के साथ है मारा ये बनता है अर सल ना होम यानी हमने जितने भी रसूल भेजे उनको भेजा है जे दलायल देकर और दलाल भी वैसे नहीं बिल हो जा वास कलर दलाल देकर हमने उनको भेजा है आगे एक शाद फरमाता अल्लाह ताला तला जलना इलाई का जिक्र ए महबूब हमने सबका किताबों की तरफ भी साबका रसूलों को भी हमने किताबें दी ना और आपको भी हमने किताब दी है फरमाया कि अन जलना का जिक्रा हमने आपकी तरफ जिक्र को नादिल किया यानी माना कुरान के माना होते हैं इबरत करना, करना नसीहत हासिल करना तो कुरान को जिक्र के नाम से कुरान के अपने नाम है ना सिबाती नाम नाम कुरान कहते हैं जी हं? तो कुरान को कुरान क्यों कहते हैं या इसका मादा इश्ताक काराना या करोआ जी हैं जी या तो इसके माना होते हैं मिलाने के और इसी के जो दोस्त होता है उसको करीन कहते हैं और हजे किरान नहीं है समझते हैं ना हजे किरान क्या होता है एक ही एराम के साथ हज भी करना और उम्र भी करना यानी एक आराम के साथ दोनों को मिला देना तो इसलिए कुरान के माना होते हैं मिलाना यानी वो किताब वो है जो बंदे को अल्लाह तला की मर्जी रजा के साथ मिला देती है इसलिए इसको कुरान कहते हैं या कुरान का मादा इश्ता कराते करा जी करा करा तो कुरान के माना होते हैं कि जो मकरू है जिसको पढ़ा जाता है इसको इसलिए कुरान कहते हैं कि पहले जितनी किताबें थी उनमें कोई किताब नमाज के अंदर नहीं पढ़ी जाती थी दीगर शहिफे नाजल हुए तौरात नाज़ल हुई इंजील नाजल हुई जैसे कुरान नमाज के अंदर पढ़ा जाता है ना इससे पहले जितनी किताबें नाजल हुई कोई किताब नमाज के अंदर इबादत के अंदर नहीं पढ़ी जाती थी तो इसलिए इसको कुरान कहते हैं कि यह नमाजों में पढ़ा जाता है जी और इसी बुनियाद पर इसको जिक्र कहते हैं जी और भी कई नाम है कलाम पाक के जिक्र इसलिए जिक्र के माना होते हैं नसीहत हासिल करना पंद हासिल करना इबरत हासिल करना तो कलाम पाक को अल्लाह ने जिक्र इसलिए कहा है इसके अंदर अल्लाह तबाक ने पंदो नशाए की बातें की हैं यह बताया कि किस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो गए किस तरह की जिंदगी गुजारोगे तो, तो मैं नुकसान होगा यानी पूरा कुरान क्या है इसके अंदर पंदो नशाए है वाज है इबरत की बातें तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहां कुरान को जिक्र के साथ ताबीर की है फरमाते जिक्र अल कुरान फरमाया क्यों नाजिल किया ले तो भैया ना इस कुरान को लोगों के सामने लोगों के लिए बयान करें और क्या बयान करें मानुजिला जो लोगों के लिए इस कुरान में नाजल किया गया ना वो उनको बताएं वो क्या है फी ए मिनल हलाल हराम है इसके अंदर हलाल का भी जिक्र है हराम का भी जिक्र है जायज का भी जिक्र है नाजायज का भी जिक्र है मारूफ का भी जिक्र है मुनकर का भी जिक्र है और फरमाया क्यों वाला हम यह इस उम्मीद पर कि वो इस कलाम पाक के अंदर इस बयान पर गौर करें तदब्बुर करें जी सोचें फीजाले का यानी कलाम पाक में क्या होगा फयाताबिर फिर उनको इबरत हासिल होगी नसीहत हासिल होगी फायदेमंद होंगे जी अगली आयत को रहने देते वो इंशाल्लाह बाद में या एक आपको मसला बता दें अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान क्यों नाजिल किया ले तो बै ना लिन्नास, ये लाम इल्लत के लिए ताकि आप लोगों के सामने बयान करें जी तो कुरान जो है ये मुजमल है सारे का सारा कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज कलाम पाक की आयात महकाम हैं बा आयात मतशब हाथ हैं। कलाम पाक के आयात को तीन तरह की तकसीम कर सकते हैं बाज़ आयात वो हैं जो मुहकाम हैं वाज कलियर है बाज़ आयात हैं जो मतशब हाथ में और बाज वो हैं जो हरूफ मुकतेहात हैं यानी सूरतों की शुरू में उनका मफहम अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल।, रसूल जानता है या फिर अल्लाह के रसूल ने अगर किसी को बताया तो वो जानता है उसका हमारे साथ जानने से कोई ताल्लुक नहीं है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान राजो न्याज की बातें जी अब जो मुतशाबेहत हैं मुतशाबेहत के माना यह होते हैं कि जो उसका जाहरी माना है ना वो बन नहीं सकता जी उस आयत का जाहिर और होता है लेकिन हकीकत में उसे जाहिर का इतलाक दुर्षनी आसदा मसन देखें अल्लाह ताला ने बार बार आपने लिए याद का जिक्र किया हाथ का जिक्र किया जी तो हाथ जिससे हम मुतारफ हैं वो क्या है जी वो एक बॉडी का हिस्सा है जिसम का हिस्सा है अल्लाह ताला जिसम रखता है तो फिर हाथ किधर से आया जी कहीं अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है वजह, चेहरा तो चेहरा किसका होता है बॉडी का होता है जिसम का होता है जावा नहीं तो चेहरा किधर से आया फिर कहीं अल्लाह ताला कुर्सी और अर्श का जिक्र करता है कुर्सी किसके लिए होती है जी ये हम सब बैठे ना बॉडी होगी तो कुर्सी की जरूरत तो होगी अगर बॉडी नहीं तो कुर्सी की जरूरत क्या है तख्त जो उसको थ्रोन कहते हैं क्या कहते हैं जी हां जी तख्त जनाब उसके ऊपर वो किसके लिए को बंदा बैठेगा ना जी तो फिर है तो जब अल्लाह ताला बाडी नहीं रखता तो फिर उसको की जरूरत क्या है जब बाडी नहीं तो कुर्सी की जरूरत क्या है जब बाडी नहीं तो उसके हाथ किधर से आए जब बाडी नहीं है तो फिर चेहरा किधर से आया तो यह है वो यहां जाहिर का हमारा ईमान है जो अल्लाह ने बयान किया वो करेक्ट है जी से का भी यही था लेकिन बाद में आकर उन्होंने कहा कि जो जाहिर ईमान है बातन में वो माना मुराद नहीं है अब वो लंबी जोड़ी अपनी तशरी है याद से मुराद कंट्रोल कुवत जैसे आप कहते हैं ना किसी आदमी से भी जी आप ये मेरा काम कर दू कहते ये तो मेरे हाथ में है क्या वो काम उसने हाथ में पकड़ा हुआ है हाथ में क्या क्या माना जी यानी आई कैन डू इट मैं इसको कर सकता हूं मेरे इख्तियार में है तो यद के माना ये होते हैं कंट्रोल के अब पूरी कायनात अल्लाह ताला के कंट्रोल में है कहीं चेहरे का जिक्र है अल्लाह चेहरे से पाक है या चेहरे से मुराद जात है उस अल्लाह तला की हस्ती अल्लाह की जात मुराद है ये जो चेहरा हमारे सामने है वो इस तरह का चेहरा मुराद नहीं है जी इसी तरीके से जहां कुर्सी और अर्श बोला गया वहां से भी इकतेदार मुराद है हमारे यहां नहीं कहते हैं ये सारियां जी कुर्सी की लड़ाई है जी व कुर्सी के लिए लड़ने की जरूरत क्या है जितनी आपको तोहफी का बाजार से खरीद लाए हां थोड़े पैसे तो प्लास्टिक ले लें अगर ज्यादा पैसे हैं तो उसे अच्छी ले लें और ज्यादा पैसे उसी कीमती ले लड़ने की जरूरत क्या है तो कुर्सी से मुराद ये कुर्सी नहीं है जिस पर हम बैठे कुर्सी से मुराद क्या है इकतेदार तख्त से मुराद क्या है इकतेदार जायरी जो आयात के लफ्स हैं वो हकीकतन उसके माना मुराद नहीं होती ये मुतशाबे आते और उसके अंदर ज्यादा बंदे को गौर खौज भी नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला फरमाते ज्यादा टटोलते वो आदमी है कि जिनके दिलों के अंदर टेढ़ा पान है कज़ी है अलबत् वर्रा से हो ना वो जो साहिब इल्म है ना यकूल आमन्ना वो कहते हैं कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से आमस पारी मान ला हमें उसकी तशरी करने की खोज करने की जरूरत ही नहीं है बात समझ गए बाद आयात है मुहकामत और कलाम पाक का बेशतर हिस्सा क्या मुजमल है मुजमल माना होते हैं काबले तशरी समझ गए ना जी अल्लाह ने फरमाया अकीम बात जका पूरे कुरान में मुझे यह बताएं कि नमाज के फराइज कितने हैं जी उनमें तरतीब भी लिखी है पहले आप ये करें वो करें अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जक़ात दो जी अब जकत का हुक्म मौजूद है कितने माल पर कितनी जकत दी जाएगी ये तो कुरान में नहीं है किसको दी जाएगी ये जिक्र मौजूद है कितनी दी जाएगी कितने माल पर जक़ात फर्ज होगी ये तो जिक्र नहीं है अल्लाह ने आज का हुक्म दिया है जी आज कैसे करेंगे ये तो कुरान में नहीं है जी अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया है ये बता दिया कि रोजे की इब्तदा क्या है और इंतहा कहाँ है किस चीज से आपका रोजा रहता है किस चीज से तुमक जाता है क्या होता है यह तफसीली मसायल कहां है वो तो कुरान में नहीं है तो यहां ऐले कुरान का भी रद है वो जो लोग ये कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं हजूर की सुन्नत को हदीस को नहीं मानते अगर सरकार की सीरत सरकार का पैगाम हम तक मौजूद नहीं है जो पहुंचा हम तक वो गलत है तो फिर इसका तकाजा है कि नया नबी होना चाहिए फिर उदू का खत्म नबूवत पर अकीदा रखना नहीं बात है बताना यह है कि कलाम पाक को समझ सकते हैं बगैर सुन्नत के आप नहीं समझ सकते जी और रब ताला फरमाता है कि हमने इसलिए कुरान नाजिल किया ले तो भाई ये ना ले नाश्ता क्या आप लोगों को बयान करें तो बयान की जरूरत किसकी होती है अगर वो बात क्लियर है तो बयान करने की जरूरत क्या भाई इसका मतलब ये है जी मतलब का बयान किया जाएगा मिसाल के तौर पर आपको गुफ्तगु करते दूसरे आदमी को समझ नहीं आती आप कहते आई मीन भाई मेरा मतलब ये है जी आ नहीं फिर उसकी डिटेल तशरी करते हैं तो कुरान ज्यादातर मुजमल है जी तो सरकार वसल्लम उस इजमाल की तफसील के लिए तशीफ लाए डिटेल के लिए तशरीफ लाए और क्या अपनी मर्जी से उसकी तफस बयान करते नहीं माबू यानी मेरा मबू वो है अपनी मर्जी से नहीं बोलते वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से उन पर वही की जाती है दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता बला तो हर का लिता बे। ये कुरान पढ़ने में जल्दी जल्दी ना करें जी इन्ना आलईना जमा हुआ है इस कुरान को आपके सीने में जमा करना भी मेरी ड्यूटी है पढ़ाना भी मेरी ड्यूटी सुम्मा इन्ना आलईना फिर कुरान को बयान करना भी हमारी ड्यूटी बयाना हु इसका मतलब बयान मुजाफ है वो वह है, एक कुरान है और एक बयान कुरान है दोनों के अंदर है, तो बयान कुरान क्या है वो जो सरकार बयान करते हैं जी और इसलिए वमा कहते हैं वही की दो किस्में वही ये जली और वही ये खफी वही ये जली वो है जो बदरीया जबरी लाती है वही ये खफी वो है जो अल्लाह ताला अपनी तरफ से हजूर के जैन अक्तस के अंदर इल्का फरमाता है इलाम फरमाता है ने जो कुरान की तशरी की अमल करके बताया अपनी मर्जी से नहीं वो भी मंजान बिल्ला है जी तो यहीं क़राम ये यह इर्शात फरमाते हैं कराम के जरा दूसरी पढ़ी मैं दूसरी जारी रखें को गुना नहीं हाँ जी फरमाते यानी अन जल्लिक या मोहम्मद वो अक्रा ए मोहम्मद आप पर हमने जिक्र नाजिल किया और वो जिक्र क्या हुआ? कुरान वो कुरान है अल्लाह तला ने कुरान का यह नाम क्या रखा जिक्र रखा क्यों ले अन्ना उन वो इसलिए कि उसके अंदर वाज़ है वाह तम्बी यहां और गाफिल लोगों के लिए तंबी है फरमाया ले तो बन्नास ताकि आप लोगों को बयान कर दे माँ नुजिला नाजल हुआ है हाँ जी आगिर शुरमलाई का मेरा कामिल कुरान है वह बयान उल किताबे फरमाया तो वो मेरा सुन्नत है कुरान का बयान हम तफसीर कहाँ से मालूम करेंगे सुन्नत से हजू के तरीके से फरमाया के वाल मुबीन जल वो मुबैन क्या है इस जो मुजमल है ना कुरान उसके हजूर ने तशरी की और तशरी करने वाले कौन है हुआ रसूल अल्लाह के रसूल है वाले हाजा कला जो बात आपको बताना चाहता हूं कहते हैं इसी बुनियाद पर बाद ये कहते हैं कि मता वाका बिन कुरान। जब कुरान के अंदर कहीं तारज वाक हो जाए बंदे को समझ ना आए भाई यहां और बयान किया फला जगह और बयान किया है वल हदीसो वजब तकदीम से तो कुरान पर हदीस को तरजीह देना ये वाजिब है है जी तकदीम उलहदीस लेना मुजमल उन इसलिए कि कुरान मुजमल है वाल हदीसो मुबैन हदीस बयान करने वाली है बेदलाल आते हाजिल थे इस आयत में तशरी मौजूद है कि हुजूर के, के बयान को कुरान के बयान पर तरजीह है जहा कलाम पाक के अंदर बात मुजमल होना क्लियर ना हो कई दफा ऐसे भी होता है कि कलाम ना कुरान भी बाज अपने बाज की तफस बयान करता है जी एक जगह एक मसले को कुरान ने इजमाल के साथ बयान किया दूसरी जगह तफसी के साथ बयान किया लेकिन जो हजूर बयान फरमाए उस तफसीर को जो कुरान बयान करता है दूसरे फसाद करता है उस पर सुन्नत को तरजीह है जी इसलिए कि साहिब कुरान सबसे बेहतरीन तफसीर क्या है जो साहिब कुरान कुरान की तफसीर करे जी उसको तरजीह और इसी को बयान किया ले तो भैया नाल नास हमने इसलिए नाजिल किया कि आप लोगों को बयान करें इसका मतलब है कि सरकार का बयान करना यही वजह है कि कलाम बाग की तफसीर में सबसे आला जो तफसीर है तफसर बिल मासूर है हाँ जहां हजूर कम सलम की रवायत हम तो ना पहुंचे तशरी तो वहां पर तफसर बिल राय की जाती है बिता फिर तावील की जाती है उसका माना तलाश किया जाता है मफूम तलाश किया जाता है जहां हजूर की हदीस हो वहां हमारी राय नहीं वो हजूर का इशाद दुरुस्त है जी बात समझ गए नहीं इसी पे इतफा करते हैं आगे बड़ा दिलचस्प मजमून है वो आई इन शे करेंगे आज जो बयान किया है इसमें दो तीन चीजें क्लियर हैं एक तो ये बात वाजे होगी कि तकलीद फसल जिक्र इनकाल तकलीद करना अगर आप नहीं जानते तो किसी से पूछना उस पर अमल करना सिर्फ पूछना ही काफी है अमल भी करना जी। उस पर अमल करना वाजिब है तकलीफ वाजिब है और दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जो मुकलद नहीं है जी एक और बसका बस बात ख़त्म करते हैं ये जो इख्तियारी मामलाते जब आपको एग्रीमेंट करते हैं ना जी तो आपको गोवाओं की जरूरत होती गोवा रखते हैं ताकि कल ये बंदा इनकार ना करे जहां इख्तियारी मामला तमांशरियत मुतारा ने मामूली से मामूली बात पर भी जो नसाब रखा वो कितना है दो तुम बिदाई नहीं, है आगे फरमा के दो गवाह जरूरी है छोटे से छोटे मामले पर भी कितने गवाह दो इसलिए निका पर भी कम अज कम दो गवाह जरूरी उसके बगैर एक्सेप्टेबल नहीं है दो गवाह मुझे सरना हूं तो एक मर्द दो औरतें हैं चार औरतें नहीं हो सकती मर्द का होना लाजमी है सिर्फ चार औरतें दो मर्दों के बराबर नहीं हो सकती जी मर्द का होना लाजमी है और कुरान कह रहा है कि एक मर्द और दो औरतें एक औरत की गवाही मर्द के कितनी है एक औरत की गवाही मर्द से गवाही के आदीन न जी ठीक है फला बंदा फला बंदे का बेटा है जी क्या सबूत है फला आदमी फलां का बेटा है क्या सबूत है यकीनी तौर तो पर सिर्फ मां जानती है बाप को भी ये पता नहीं है ये जो मेरे घर में पैदा हुआ ये मेरा किसी और का जी देखो। देखो। और बेशुमार ऐसे वाकत मौजूद है वो हजूर के पास आया था ना वो आ, वलीद बिन मुगिया तो उसने कहा मेरा फरमा है वो तेरा बाप नहीं बाप तेरा हो रहा है वो तेरी माँ का निकाह उससे हुआ है फिर माँ से पूछा उसने बता दिया तो मतलब ये है कि हर आदमी वो अपने बाप का बेटा है किसने बताया मां ने मां की गवाही कितनी है वो अदी गवाही सारी जिंदगी बंदा एक दो प्यो मनता रे औरत की आधी गवाही पर बाप मान लिया तो क्या इमाम आरो उन पर ये ब, आ, मतलब इतबा करने के लिए काफी नहीं है तकलीद के माना होते हैं किए बगैर बंदा चल नहीं सकता वो जो तकलीद मुनकरे वो भी असल में मुकलती है उनसे पूछो ना हर आदमी डायरेक्ट तो नहीं जानता वो अपने मौलवी साहब से पूछता है मौलवी साहब अपने उस्ताद से पूछते हैं वो जनाब बोलते जी हजरत नवाब सदीक हसन कनू जी ने यह लिखा जी और नजीर हुसैन देलवी ने यह लिखा है जनाब फला हमारे बड़े आलम उन्होंने ये लिखा है जी तुझे तो अगर नजीर हुसैन देल भी की बात मानी जा सकती है तो फिर इमामफा की बात क्यों नहीं मानी जा सकती इमाम शाफी की क्यों नहीं मानी जा सकती इमाम मालिक की क्यों नहीं मानी जा सकती तो बहरहाल इसमें दो बातें बयान की एक तकलीद के उन्वान पर और एक ये तफसीर है कुरान यानी मतलब है बेहतरीन कुरान की तफसीर वो है जो सरकार तफसी बयान करे जो हजूर बयान करे वो बेहतरीन तफसीर है बाकी मसाइल आ रहे हैं इन आगे आइंदा आने वाले पीढ़ को गुजारशात पेश करेंगे अला अलहली सईदना मुहम्मदिन, वाला सईदना महमदिन वबारक वसलम सभी आजादी दिल के साथ आप फलस्तिन के लिए दुआ फरमाए मजलूम छोटे बच्चे जनाब औरतें इस कदर जुल्म की इंतहा और पूरा आलम इस्लाम इतना बेषूर हो गया है कि बात सिर्फ ये कह देना काफी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं वो तो हम घर में बैठकर हम ये तो हम भी कर रहे थे फिर में और उन हुक्मरानों में क्या फ़र्क है दुआ फरमाए कि अल्लाह तक सदके गैब से उन्हें अता फरमाए गैब से उनकी मदद फरमाए अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है अल्लाह ताला अगर फरिश्तों को भेज सकता है आसमान से अब अबीज भेज कर पत्थर बरसा सकता है अल्लाह ताला तूफान भेज सकता है वो सब कुछ कर सकता है मौल तबीब रबी सदक़े में मौल तुन मजलूम की मदद फरमा ग़ैब से उनकी मदद फरमा गैब से उन्हें वसायल अता फरमा मौल ते फ़तः याबी और कामरानी अता फरमा और जहाँ की मुसलमान मजलूम हैं मजबूर हैं सब पर अपना फजल व करम फरमा वसल त खैर खलकई महम्मद इमी वसाजमाइीन बेरहमत किया रम